हो रही है कितना टाइम आ रहा है कहाँ, 6 मिनट 47 सेकंड। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे की मालिश कैसे करना है। ये हिमालय का बेबी मसाज ऑयल, इससे बच्चे की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तो शुरुआत में जब भी आप यूज़ करो तो हिमालय का बेबी मसाज ऑयल यूज़ कीजिए। इसको इस तरह अपने हाथों पर लीजिए और बच्चे की टांग को उठाइए और ऐसे रगड़ते चले जाइए इस तरह। ये देखिए, जब बच्चा पूरा आनंद में हो रखा है इस समय, बच्चा बिल्कुल भी रोने का प्रयास करे तो उसकी एड़ियों को इस तरह आप हल्के हल्के हाथों से करिए, बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और रोना बिल्कुल बंद कर देगा। और दोस्तों, इस तरह बस हल्के हल्के हाथों से आपको बच्चे की मसाज करनी है ताकि बच्चा रिलैक्स हो सके। ये देखिए कैसे एंजॉय कर रही है। कृपया करके हमारे बिटिया का फेस दिखाइए। ये देखिए किस तरह ये मजे ले रही है मालिश के। काश हमारे भी बचपन में कोई मालिश करता है तो वो बात अलग है कि हमारी बहुत मालिश हुई है, लेकिन सरसों के तेल से मालिश हुई है हमारी। ये देखिए कैसे आनंद का अनुभव ले रही है, वो बात अलग है। ये हमारी एस्थेसी हो रही है क्योंकि पंखा भी हमें धीरे करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे को मालिश के दौरान ठंड लग सकती है। ये देखिए, आहा कैसे मजे ले रही है बच्ची। ओहो, अरे भैया, ओहो। ये हमारी बिटिया फॉर्म में है इस समय। ये देखिए, ओहो, अरे भैया, कृपया करके मसाज मैन का भी पोस्टर दिखाइए, वो कितने अच्छे मसाज कर रहा है। देखिए, मसाज मैन हमेशा बच्चे की मसाज करें, इस तरह खुश होकर करें, क्योंकि इससे आप शायद मसाज कर पाएंगे, अदरवाइज आप बाहर भी सोचेंगे। ये देखिए, ओहो, क्या बात, अरे भैया, ओहो, अरे भैया कैसा मजे ले रहा है। अरे भैया, अब हम बच्चे के बाकी इस हिस्से को खोलेंगे। अब इसके कपड़े खोल दीजिए अपने बिटिया रानी के या बेटे के, जो भी आपका है। और मसाज बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये 1 साल तक आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे बच्चे की मांसपेशियाँ, बच्चे की हड्डियों का विकास अच्छे से होता है और बच्चा बहुत जल्दी से हलना चलना फिरना और शुरू कर देता है और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो जो मालिश है वो बच्चे का नवजात शिशु का परवरिश का अहम हिस्सा है। तो कृपया हमेशा मालिश की तरफ बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। लगभग डेली मालिश हमेशा की आपको करनी है अगर आप बच्चे का प्रॉपर विकास चाहते हैं। ये देखिए, ओहो, ये देखिए हमारी बिटिया रानी मजे ले रही है। ये इन्हें हक भी दिया है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना नहीं है बच्चे, कोई रोना नहीं। अरे भैया, अरे भैया, अरे, अब ये देखिए हकने के कारण ये रोना शुरू कर दिया शायद इसने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम मालिश जारी रखेंगे क्योंकि बच्चे का भरोसा नहीं होता वो कब हक दे कब मुद दे। तो ये हमारी बिटिया रानी की मसाज फुल फॉर्म में है, लेकिन मसाज अच्छी होने की वजह से बच्चा हकने मुदने के बाद भी रोता नहीं है, ये इसकी खासियत होती है मसाज की। अब ये देखिए, अब ये मालिश हो गए, इसके हाथ पैर इतने मजबूत हो गए हैं कि रात को जब इसे नींद आ जाती है, हमें नींद आ जाती है और इसे दूध की भूख लगती है तो ये हमें हाथ मार मार के जगा देती है। और हाथ से नहीं जगते तो हमारी तरफ पैर करके दहलात 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 करके हमारी एस्थेसी कर देती है और फाइनली उठा देती है। और जैसे उठा देते हैं फिर कुत्ते की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ रोना शुरू कर देती है बहुत बुरी तरह, और जिसकी वजह से कई बार हमें हड़बड़ाहट का सामना करना पड़ता है, हड़बड़ी से हम उठते हैं क्योंकि भैया ये हमारा ब्याज है। ओहो, ओले मिला बच्चा, लो ला, ओले 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 ओले। ये देखिए इस तरह बच्चे को रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत यार, पैर पैर लपेट के। रुक जा 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट, रुक जा। ये देखिए बच्चा कैसे मजे ले रहा है मालिश के। ओहो 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 निकल जाएगी, 2 मिनट जाओ बच्चे, बस नहीं निकल जाएगी, 10 चाहते हैं दवाई पी रही हूँ तो निकल मंगा दे दो। जाएगी। चलो चलो, बंद कर लो, नहीं पॉज करो।
ये देखिए हमारी बिटिया रानी कैसे मजे ले रही है। ये ओहो क्या भैया मजे हैं अभी मजे। ओहो क्या बात।